हेलो फ्रेंड्स, खादुल्ला बाइकर्स ग्रुप पे आपका स्वागत है एक बार फिर। और पहले जैसे हमने फूजी हेलमेट का रिव्यू किया था, जो उसका स्टील बर्ड का मेल वर्जन था, और एक और में हेलमेट इन्होंने भेजा है जो हमारा SBS 6 का है। ये देखिए, पिंक पिंक सा दिख रहा है, जो ये पिंक पिंक सा है ये है गर्ल्स के लिए है ये हेलमेट। और इसमें भी 6 कलर है, 6 कलर ऑप्शन है और 6 साइज है। ये मैक्सिमम साइज है 60 सेंटीमीटर की और इसका प्राइस है 1419 रुपये है। आप ये देख सकते हैं, ठीक है, देखता हूँ। इस हेलमेट में भी सेम वही बुक है और जो चीज़ें इसमें निकली थी सेम वही सारी चीज़ें इसमें भी हैं। इसको मैंने तो एक बार ओपन कर चुका हूँ, दोबारा पैक कर दिया था इसका। और ये इस पर इसका यही क्लियर वाइजर है ये वाला, और इसमें हम देखिएगा, थोड़ा निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये है, ये हेलमेट क्लियर वाइजर वाला है और रेड कलर का है, बहुत खूबसूरत। ये मैंने सारे इसके जो वेंट हैं इसको कैसे इसको कवर करना है, जैसे कि इसमें 13 वेंट मैंने बताए थे, तो 13 वेंट है, तो 13 वेंट को कवर करने के लिए ये पैडिंग देते हैं। तो विंटर्स में और बरसात में, रेनी सीजन में अगर आप इसको बंद करना चाहें तो ये वाला तो ऊपर ऐसे बंद हो जाता है, लेकिन बाकी के बंद करने के लिए ये सिस्टम है। बाय द वे, ये मुझे नहीं लगता कि इसको बंद करने की कोई ज़रूरत है, मुझे ऐसे ही ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है। जैसे अब इसको जैसे मैं आपको निकाल के दिखा, तो ये ऐसे निकल जाएंगे वापस। अगर आप चाहते हैं तो निकाल के, इतना आसान भी नहीं निकालना है लगाना, एक बार लग गया तो बड़ी मुश्किल से निकलना है। तो ये गर्ल्स के लिए है और इस वाले मॉडल का नाम है इला, और जैसे उसमें बाइक बनी हुई थी और इसमें बाइक नहीं बनी हुई है और ऐसे ही है, ये इसका लोगो है और पीछे ये स्टील बर्ड एयर लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और इसका जो वजन है वो भी 900 ग्राम है, 600 mm इसका है और ISI मार्क इस पे है, यानी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, इटालियन मॉडल है। और इसमें भी ये कूपन आया हुआ है, और लेकिन ये जो रेड वाला है ये मॉडल, इसमें आप गौर से देखेंगे तो ये जो इसके इसको थोड़ा मैं निकाल देता हूँ एक मिनट। इसका जो ये है अंदर का ये कुशन वाला पार्ट है, ये बहुत ही खूबसूरत ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा कलर कंट्रास्ट हो जाने का बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर का कुशन बहुत ही अच्छा, लेडीज़ के हिसाब से बना भी काफ़ी अच्छा है गर्ल्स के लिए। ये भी इसमें ये एंटीबैक्टीरियल है, तो ये भी इसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस इसमें भी नहीं है। और इस पर ये लेदर टच दिया हुआ थोड़ा सा, ये इसकी स्टिचिंग बहुत ही अच्छी लग रही है यहाँ पे। ये देखिए लेदर टच है और यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हेलमेट बहुत ही प्यारा है, हल्का है, खूबसूरत है। इसका जो वाइजर है ये 2 कलर में आता है, ब्लैक में भी आता है और इसमें क्लियर वाइजर आता है। ये जैसे आपकी ज़रूरत हो, दिन के लिए आप ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, नाइट के लिए ये। तो हेलमेट दोनों ही पर्पस से बहुत अच्छा है, हल्का हेलमेट है तो डेली यूज के लिए यूज कर सकते हैं। और एक है कि जैसे स्कूटी हम अपने बच्चों को दिलाते हैं, बच्चियों को दिलाते हैं, तो ठीक है सब लोग दिलवा देते हैं, स्कूटी दिलवा देते हैं, लेकिन जब स्कूटी लेने जाते हैं या बुलेट लेने जाएं, दोनों ही कंडीशन में आपको हेलमेट कौन सा देते हैं, मेल वाला है, मेल वर्जन का हेलमेट ही देते हैं। तो ये इनिशिएटिव लिया तो अच्छा है कि स्कूटी और बाइक के साथ सबके साथ हेलमेट देते हैं, लेकिन वो हेलमेट जो है कि गर्ल्स फ्रेंडली होने चाहिए। तो जैसे ये गर्ल्स फ्रेंडली हेलमेट है ताकि लड़कियां इसको पहने, अगर ऐसे हेलमेट देते अगर शोरूम वाले तो बेटर था, ताकि वो लड़कियाँ पहन भी सकें। तो अप्रोच करना चाहिए कि आप अगर वहाँ से लेते हैं स्कूटी के साथ और बाइक के साथ हेलमेट जो मिलता है, तो लड़कियों के लिए आप वही हेलमेट लीजिए जो उनको पसंद है, ठीक है। अब वो मेल हेलमेट लेके क्या करेंगे। और दूसरा, जैसा मैंने पहले कहा था कि हेलमेट जरूरी है और बच्चों में आदत दिलाना जरूरी है उसका, कि आप हेलमेट पहनिए। साथ में ये भी कि केवल हेलमेट से सेफ्टी तो हो जाती है, हेलमेट सेफ्टी हो जाती है, लेकिन अगर आप बाइक टू व्हीलर कोई भी चला रहे हैं तो मिनिमम इतनी सेफ्टी रखिए कि लेदर शूज, ग्लव्स और हेलमेट, ये 3 चीज जरूर होना चाहिए। अब इसको वही समझ सकता है जिसको कि जिसका कभी एक्सीडेंट छोटा मोटा हुआ हो, अब उससे पूछेंगे तो उसको क्या होता है, जब वो गिरता है तो पैर रगड़ में आता है, पैरों में चोट लगती है, जब भी आप गिरेंगे तो सबसे पहले आपका हाथ सामने आ जाता है, आपकी सेफ्टी के लिए तो सबसे पहले वो रगड़ खाता है। जैसे मेरा गिरा हुआ, मैं गिरा था तो यहाँ मेरा पूरा छिल गया था,
ठीक है, बीच में एक मेटल का खड़ा था मैंने पहन रखा था, खड़ा था या घड़ी था ऐसा कुछ था, तो उससे वो पूरा मेरा सेफ हो गया था, फिर भी काफी चोट लगी थी। और ये पीछे की ये नकल होते हैं ना, ये छिल जाता है, तो ग्लव्स होना जरूरी है, ग्लव्स पहनाइए, शूज पहनाइए और हेलमेट कंपलसरी। और कभी भी वो 150-200 वाले हेलमेट जो पहनाते हैं उसको मत पहनाइए, वो केवल आपको पुलिस से चालान कटने के लिए बचाता है और आपका 1000-2000 रुपये बचा लेता है, लेकिन आपके अमूल्य जिंदगी को नहीं बचा सकता। तो प्लीज़ हेलमेट जरूर पहनिए फ्रेंड्स, और दूसरों को पहनने के लिए इनकरेज करिए। और जैसे महंगी बाइक लेकर आपको स्वाफ करने में और शौक पूरा करने में अच्छा लगता है, ठीक वैसा ही अच्छे हेलमेट पहनिए, सेफ हेलमेट पहनिए, और उसमें भी थोड़ा सा आपको फील होना चाहिए कि हाँ गर्व फील होता है, जैसे मेरा बेटा पहनता है हेलमेट, पहनता है तरह तरह के अपने के लिए, वो खिलौनों के साथ हेलमेट भी खरीदना पसंद करता है, वो 3 साल का है, 4 साल का है। तो जैसे बाकी उन हेलमेट्स में फंक्शन था, इसका भी इनर कुशन आप जो है रिमूव कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं और वॉश कर सकते हैं, और वाइजर भी चेंज कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बहुत वर्सटाइल टाइप का हेलमेट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ा वाला मॉडल है, जिसको मैं पहन के आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइट हो रहा है। ये सामने का लुक है, ये साइड का, इसका जो ये वाइजर है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिया हुआ, ये नहीं कि ऐसा है और सिंपल सा खराब सा वाइजर दे दिया हुआ, ऐसा नहीं। हेलमेट का वाइजर एक क्विक रिलीज है, ये इजीली निकल जाता है, तो बहुत ही अच्छा हेलमेट है, लाइट हेलमेट है। मैं डेली यूज़ के लिए गर्ल्स के लिए इसको तो रिकमेंड भी करूँगा, मुझे काफ़ी पसंद आया है। और ये छोटा साइज ऐसा है कि मेरे बेटे को भी इजीली हो जा रहा है, ये वाला थोड़ा सा हल्का ढीला है। तो फ्रेंड्स, आपको ये हेलमेट कैसा लगा ढीला, तो आप इसको कमेंट में बताइएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, हेलमेट कैसा लगा, कौन सा कलर आपको पसंद आया। कलर ऑप्शन के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं, इसमें सारे वीडियो मैंने मेरा बताए हैं, और कैसा ये लगाना है ये मैंने बता दिया इसका वेंट बंद करने के लिए। और अगर कोई और क्वेरी रही हो तो आप इसमें पीछे पूछ सकते हैं, अगर कोई इससे रिलेटेड कोई वीडियो और चाहिए तो वो आप बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा बना के डाल दूंगा। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। जरूरी नहीं कि हेलमेट केवल बाइक को पुलिस से बचने के लिए है, हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनिए, अच्छा हेलमेट पहनिए, ISI मार्क वाला हेलमेट पहनिए, और चाहे साइकिल हो, बाइसाइकिल हो या बाइक हो, कोई भी टू व्हीलर हो, आप आगे बैठते हो या पीछे बैठते हो, आप हेलमेट जरूर पहनिए। थैंक यू फ्रेंड्स।